हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, हम मैथ सब्जेक्ट में ज्योमेट्रिकल शेप्स सीखते हैं, ओके। उसके बाद हम ड्राइंग सब्जेक्ट में भी यही शेप्स यूज करके हम अलग अलग ड्राइंग करते हैं, जैसे कि हम डिजाइन ड्रा कर सकते हैं, हम पैटर्न ड्रा कर सकते हैं, हम यही शेप्स यूज करके हम ह्यूमन ड्राइंग्स भी ड्रा कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर ड्रा करना है तो उसके लिए हम ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ये दो शेप्स यूज करके हम हाउस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी घर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो देखो बच्चों, अभी आपकी जो ड्राइंग बुक है उसमें यही शेप्स यूज करके वहाँ पे एक पैटर्न बनाया है। देखो उसमें सेमी सर्कल एंड स्क्वायर, ये दो शेप्स यूज करके और लाइंस यूज करके वहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, और वही पैटर्न में आपको क्या करना है, आपके फेवरेट कलर उसमें आपको आज भरना है, ओके। तो आज हमें ड्राइंग सब्जेक्ट में, आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ शेप्स, इसमें वहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो पिक्चर में आपको आज कलरिंग करना है। तो अभी सबसे पहले अभी आपको डेमो वीडियो देखना है, और वो डेमो वीडियो आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ओके। तो चलो अभी हम डेमो वीडियो देखते हैं। यस,
बच्चों अभी आपने ये डेमो वीडियो देखा राइट। अभी देखो मैंने ये डेमो वीडियो में मैंने कलरिंग किया है राइट। अभी इसमें मैंने एक्यूरेसी, नीटनेस, ओके, पेपर क्लीननेस, इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है ओके, और लास्ट में कलर कॉम्बिनेशन। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी ड्राइंग बुक में आपको आपके फेवरेट कलर यूज करके और कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान रख के आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है ओके। इसमें आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, उसके बाद नीटनेस पे ध्यान देना है और ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है ओके। तो आज हमने ड्राइंग सब्जेक्ट में आज हमने जो पैटर्न है यहाँ पे आपके ड्राइंग बुक में जो रेडीमेड पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था उसमें आज हमने कलर किया है ओके। थैंक यू।